Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रहा है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज अपने करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें अपने जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, रासायनिक खादें होती हैं, उनका प्रोडक्शन या अपने इंडिया में कौन कौन सी रासायनिक खादों का प्रोडक्शन किया जाता है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो मेनली कंसंट्रेट करती है पर्टिकुलर, यहाँ पे अपने को डिफरेंट टाइप्स के जो अपने कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर बनाने वाले जो कंपोनेंट है या रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल होता है, वहाँ पे अपने को ये जो इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेटेड मिलती है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है मेनली यूरिया जिसमें शामिल होती है, इसके अलावा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर जिसका एग्जांपल डीएपी आ जाता है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश शामिल होते हैं। इसमें जो पोटाश है इसका इंडिया में प्रोडक्शन किसी फॉर्म में पोटाश या पोटाशियम की फॉर्म में नहीं होता, इसका प्रोडक्शन करने के लिए इसका हमें दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता है, ये इसके बारे में एक बात आ जाती है। ठीक है, तो इंडिया जो है जब से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि जो सीड थे वो हाई जील्ड वैरायटी सीड थे, उनको इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए थी, उनको जो सॉइल को क्योंकि उससे जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना था तो उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बनाए रखने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइजर भी चाहिए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया में इस जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और इसका जो अपने कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है वो और दूसरे स्टेट्स में भी उसके आसपास के रीजन में भी अपने कह सकते हैं कि फैल गया। तो इंडिया का जो 50% फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन है वो कौन कौन से स्टेट में होता है, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन स्टेट्स में क्या है कि इंडिया की 50% जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या उसका प्रोडक्शन है वो इन 5 स्टेट्स में होता है। इसके अलावा कुछ और स्टेट भी हैं जो कि प्रोडक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगी हुई है, तो वो स्टेट्स हैं राजस्थान आ जाएगा इसमें,
मध्य प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड दिल्ली। तो ये इसके जो प्रोडक्शन रीजन है, प्रोडक्शन स्टेट है, वो ये वाले हैं, जिसमें जो 5 में तो 50% प्रोडक्शन या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है, और बाकी के अदर जो इम्पोर्टेंट स्टेट है वो ये वाले हैं। तो इंडिया में नाइट्रोजन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट हफ्ते मिनरल बेस इंडस्ट्री में करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और मिनरल बेस इंडस्ट्री में शामिल होती है। अपने बात करें तो जो सीमेंट है, इसका यूज जनरली आपको पता होगा, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, हाउसेस, डैम्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड्स, ठीक है, जो भी आप बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स जो आप देखते हो कि जिसमें आप जनरली, ये तो आपके बिहेवियर में आने वाली बात है कि सीमेंट का यूज अपने कौन कौन से बिल्डिंग्स में करते हैं, तो बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, डैम बनाने में, कनाल बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए सीमेंट के, ये तो जनरली आपको पता ही है। तो उसके बाद अपने बात करें जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो बल्की और हैवी टाइप का होता है। बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है। और अपने बात करें तो कौन कौन सा, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम का इसमें यूज किया जाता है। एनर्जी सोर्स, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कोई अपने सीमेंट इंडस्ट्री लगानी हो तो वहां पे ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वहां पे अपने इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इसके बाद अपने बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई थी 1904 में चेन्नई में, ठीक है, और तब तो वहां पे जो समुंदर, ओशन होता है, उसकी सिपियां होती है, जो उससे सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया, तो सबसे पहले ये वाला आता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करें तो इंडिया में गुजरात जो इसका स्टेट है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, तो उसकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे इसके जो कारखाने हैं या इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, क्यों लगाई गई है, क्योंकि वहाँ से जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है वो गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता है, ये भी उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे बनती है। इसके बाद अपने बात करें तो इंडिया में जो सीमेंट प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी है, उसका लेवल है, अच्छे लेवल का है, अच्छे टाइप का है। तो इंडिया में जो उसकी वास्ट डिमांड है, इंडिया क्योंकि काफ़ी बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता रहता है, लोग घर बनाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती है,
तो उसमें यूटिलाइजेशन के अलावा कुछ दूसरे जो उसके आसपास के देश हैं उनको भी इंडिया की जो सीमेंट प्रोडक्शन है उसकी डिमांड रहती है। तो कौन कौन से रीजन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं सीमेंट? इसमें आ जाएंगे मिडल ईस्ट, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज इसमें शामिल हो जाएंगी जो इंडिया से सीमेंट को इंपोर्ट करती हैं। अब इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री के बेटर फ्यूचर के लिए जरूरी है कि इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो और उस प्रोडक्शन की जो कंट्री में भी और दूसरे देशों में भी उसकी डिमांड बनी रहे, तो इससे अपने जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको लॉन्ग टाइम तक रन कर सकते हैं, उसको एक बेनिफिट के साथ कंटिन्यूसली उसे चला सकते हैं। तो ये आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्री है आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो अपने कह सकते हैं कि पैसेंजर को कैरी करने के लिए और गुड्स को कैरी करने के लिए दोनों तरह से अपने लिए बेनिफिशियल है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो उससे जो प्रोडक्शन होता है या अपने कहते हैं जो ऑटोमोबाइल अपने डिफरेंट टाइप्स की मशीनरी बनती है तो वो किसके लिए यूजफुल होती है? कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, कौन कौन सी इसमें होगी? जैसे आपकी ट्रक हो गया, कार होगी, बस होगी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर्स। ठीक है, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स। तो ये सारे हो गए जिसमें अपने कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की गुड्स को और पैसेंजर को कैरी किया जाता है। तो इसके बाद अपने बात करें तो ये तो नॉर्मल सा है कि आपको जनरली पता ही होगा कि ऑटोमोबाइल कौन कौन से होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ कब हुई या इसकी डेवलपमेंट कब हुई, इसमें इंक्रीज कब आया? जब से लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी के, न्यू ट्रेंड के, डिफरेंट टाइप्स के जो व्हीकल्स हैं अपने कह दें कि ज़्यादा एफिशिएंसी थी उनकी और लो फ्यूल कंजम्पशन था। ठीक है, और उनके नए नए मॉडल जारी हुए तो इससे लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हुए, कीमतें भी उनकी कम हुई। ठीक है, उनकी ओर अट्रैक्ट हुए लोगों और धीरे धीरे अपने कह सकते हैं कि जो कार है, टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद में जो टू व्हीलर्स, टू एंड थ्री व्हीलर्स अपने कह सकते हैं और कार्स होगी, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी क्योंकि नए नए मॉडल के व्हीकल उन्होंने लॉन्च किए, लोगों को, लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हुए, उनकी डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो उस टाइम से भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी अपने कह सकते हैं डेवलप हुई। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है अपने उनकी बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। दिल्ली, गुरुग्राम जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, मुंबई, पुणे, इंदौर, जमशेदपुर, हैदराबाद,
बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। इसके बाद अपने आज की जो लास्ट इंडस्ट्री अपने करेंगे वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है। इस सेक्टर में अपने बात करें तो इसमें वेरिएशन है, लार्ज वैरायटी है। कहां से? ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, रडार, अदर इक्विपमेंट्स विच यूज्ड इन आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ठीक है। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के अपने कह दें इसमें इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता है। अब क्या है कि जो बेंगलुरु है वो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और रीजन भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, या ये इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड है। तो उसमें आ जाएगा आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, कोयम्बटूर, ठीक है। ये कुछ रीजन हो गए यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री स्टेबलिस्ट है। यो इनका मेजर कंसंट्रेशन है मेजर कंसंट्रेशन की अपने बात करें तो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे, नोएडा और हैदराबाद, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या है कि ये इंडस्ट्री एक रीजन से और भी इम्पॉर्टेंट है कि आईटी सेक्टर में ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे जो जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट कर रही है, ठीक है। इसलिए इसका फ्यूचर ब्राइट है इंडिया के लोगों को, ठीक है, जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो ये अपनी जो आज अपने चार इंडस्ट्री की है, इसमें अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो।